फैक्ट नंबर एक गाइस, क्रिकेट हिस्ट्री की वो गाली जो बन गई स्पिनर की मिस्ट्री। जी हाँ गाइस, स्पिनरों की चाइनामैन बोलिंग कोई स्टाइल नहीं है बल्कि ये गाली थी। दरअसल साल 1933 में खेले गए इंग्लैंड वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज टीम के एक चीनी मूल के स्पिनर एलिस एचोंग इंग्लैंड के वोल्टर रॉबिन्स को गेंदबाजी कर रहे थे। तभी उनकी एक गेंद ऑफ साइड से लेग साइड की तरफ टर्न हो गई, जिसे वोल्टर बिल्कुल समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। फिर क्या था, वोल्टर गुस्से में पवेलियन लौटते समय अंपायर से कहते हैं कि इस ब्लडी चाइनामैन ने मुझे भरमाया और मैं आउट हो गया। और तभी से ये ब्लडी चाइनामैन की गाली स्पिनरों की पहचान बन गई है। फैक्ट नंबर दो गाइस, क्या आपको पता है कि अवतार फिल्म के लिए जेम्स कैमरून की पहली पसंद गोविंदा थे? जी हाँ गाइस, अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अवतार के लिए सबसे पहले बतौर एक्टर गोविंदा को अप्रोच किया था, लेकिन गोविंदा ने इस फिल्म को ये कहकर मना कर दिया कि वो अपनी बॉडी पर नीला रंग नहीं करवा सकते। लेकिन शायद गोविंदा को ये नहीं पता था कि अवतार फिल्म पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें किसी को भी नीला रंग नहीं पोता गया था। हालांकि उन्होंने एक वजह यह भी बताई कि इस फिल्म को बनने में करीबन 6 से 7 साल लगते और इतना टाइम वो इस प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते थे।